आज के क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर कोडिंग, यानी अक्षर व अंक आधारित, जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का नेक्स्ट टाइप है नंबर कोडिंग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके क्या पैटर्न्स है, कौन से टाइप्स है। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था लेटर कोडिंग, उसके सारे हमने पैटर्न्स कवर कर लिया था, जैसे कि फॉरवर्ड सिक्वेंस पैटर्न, बैकवर्ड सिक्वेंस पैटर्न, स्किप सिक्वेंस, बाई चेंजिंग प्लेसेस एंड अपोजिट लेटर पैटर्न। इस टाइप के जितने सारे टाइप्स है, यानी फाइव टाइप्स का पैटर्न मैंने बताया था लेटर कोडिंग का, ओनली फॉर लेटर कोडिंग। इनके पांच पैटर्न्स मैंने बताए थे और इनमें कैसे किस तरह का क्वेश्चन आता है ये सारा हमने देख लिया था। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो है हमारा उस पर मूव करते हैं, दैट मीन्स कि नंबर कोडिंग। उसके लिए पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो हमारे हैं वो कैसे मैच होते हैं, कैसे क्या होंगे। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं इन क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चंस को करने से पहले ये देख लेते हैं, पहले की वीडियो में जो इससे जस्ट पहले वीडियो हमने बनाई थी यानी कि लेटर कोडिंग की, उसमें एक क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था आपके थ्रू करने के लिए। तो अगर आपने कर लिया है तो थैंक यू, और चलिए फिर मैं कर देती हूँ इनको। तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसका ऑप्शंस देखिए, जो ऑप्शंस है वो दो सारे में, ए बी सी डी जो ऑप्शंस है सारे का, जो ये फर्स्ट और सेकेंड है सब में सेम सेम है, यानी एम ओ चारों ऑप्शंस में है, तो हमें दो के लिए तो देखना ही नहीं है। तो पहले ही मैंने बोला था कि सबसे पहले आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है कि जो क्वेश्चन में गिवन उनमें रिलेशंस क्या है, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन इससे मैच हो रहा है जो हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि जो हमारा BITER है इसका कोड किया गया है KLMNO, इस तरह से कोडिंग किया गया है। दैट मींस कि बी के लिए के, ठीक है, ILTMENRO, इसमें आप केयर करेंगे तो इसका कोई हमारा रिलेशन अगर आप फाइंड आउट करना चाहेंगे कि चलो बी का 2 है, के का 11 है, आई का 9 और एल का आपका 12, तो इनमें कोई रिलेशन है तो फाइंड आउट करें इस तरह से कि क्या कोई पैटर्न इसमें मैच करा है, यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड स्कीम, इस तरह के जितने भी पैटर्न है अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको कोई भी नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है, आपके क्वेश्चंस में ही छिपा हुआ है। तो देखिए क्या किया गया है, जो हमारा ये इसमें क्वेश्चन पूछा है ट्राइब, ट्राइब को हम क्या लिखेंगे। तो अगर आप केयरफुली देखें तो जो बीटर लिखा हुआ है इसी का उलट फिरर करके यहाँ पर ट्राइब लिखा हुआ है। तो अगर बी के लिए के किया गया है तो बी के लिए यहाँ पर क्या है, के है, ठीक है, के है। तो अब हम आते हैं ऑप्शंस की तरफ, हमें तो दो ऑप्शंस चेक करना ही नहीं है, ठीक है, थर्ड वाले पर आते हैं, यानी एल है के है, ठीक है। तो इसमें ट्राइब में देखिए आई हमारा थर्ड पोजीशन पर है, और इसमें सर्च कीजिए इस वाले में कि आई का क्या सा कोड, देखिए आई के लिए एल कोड लिखा हुआ है, ठीक है, आई के लिए एल, ठीक है, एल लिखा हुआ है। तो हमारा देखिए ऑप्शंस अगर हम मैच करें तो ये दोनों हमारा ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाता है, ए और बी रह जाता है, ठीक है, दोनों में एल एल है। अब हमारा नेक्स्ट एन और के है, तो देखिए मैंने बी के लिए के लिखा है, दैट मीन्स कि आपका ऑप्शन बी है वही इसका आंसर है, दैट मीन्स कि एम ओ एल के एन। टी के लिए देखिए ऐसे भी यहाँ पर किया हुआ है, टी के लिए क्या किया गया है, एम किया गया है, और आर के लिए देखिए ओ है, यहाँ पर ओ हुआ, और ई के लिए क्या हुआ है, ई देखिए एन हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से भी सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करते रहिए, और आपने अगर वीडियो ये नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप वहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो। चलिए हम अपने आज के जो हमारा टॉपिक है उस पर हम चलते हैं, नंबर कोडिंग पर। तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम पैटर्न की तरफ मूव करेंगे कि हमारा किससे ये मैच हो रहा है। तो देखिए इफ रोज इज कोडेड एज, रोज किस तरह से कोड है 6821, एंड चेयर इज कोडेड एज 7 3 4 5 6, एंड पिच इज कोडेड एज 9 6 1 4 7 3, व्हाट विल बी द कोड फॉर सर्च, सर्च के लिए आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ एक बार हम देख लेते हैं कि जो हमारा कोड किया हुआ है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में ही आंसर्स छुपे होते हैं इस तरह के। देखिए रोज के लिए इसने क्या किया है, रोज के लिए इन्होंने किया है 6 8 2 1, ओके, और चेयर इज कोडेड एज 7 3 4 5 6, इस तरह से ये कोडेड है, ठीक है, 7 3 4 5 6। और क्या कह रहा है कि एक और है यहाँ पर PREACH, इसके लिए क्या कोड किया हुआ है 9 6 1 4 7 3, ठीक। अगर आपने ये देख चुका है, आपने कर लिया है पहले से, अगर आपको कोई नॉलेज है थोड़ा सा भी, तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने का ट्राई कीजिए, और इसमें से आंसर फाइंड आउट करके प्लीज़ कमेंट में आप जरूर लिखें।
तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ पर। देखिए ये सारे अगर देखिए इस वैरायटी के मिले, इस तरह के मिले कि एक अगर आपको वर्ड लिखा हुआ है, फिर उसका दिया गया है कोडेड, ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, मतलब दो तीन अगर मोर देन टू कोड्स दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं और उसके कोडिंग दिए हुए हैं, दैट मीन्स उनमें से हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, क्या इनमें से कोई रिपीट हो रहा है क्या। जैसे रोज में देखिए, रोज में ई और चेयर का, चेयर में ई है क्या, नहीं है, कुछ ऐसा है क्या जो इन तीनों में रिपीट हो रहा हो। और जैसे कि यहाँ पर है सी, देखिए सी है यहाँ और सी यहाँ भी है, तो इन देखिए सी के लिए यहाँ भी सेवन यूज किया गया है और सी के लिए यहाँ भी सेवन यूज किया गया है, ठीक है। और देख रहे थे एच है यहाँ, एच के लिए थ्री और एच के लिए यहाँ भी थ्री, दैट मीन्स कि इनमें से ही हमारा आंसर जो होगा बनेगा, ठीक है। तो और देख लेते हैं और क्या है, ई है यहाँ पर वन और ई है वन, यहाँ भी वन है, दैट मीन्स कि इनमें से ही हमारा कम्बिनेशन कोई फाइंड आउट करके बनेगा। तो चलिए डायरेक्ट हम करते हैं सर्च का, SEARCH, इसका क्या होगा, देखिए फाइंड आउट कीजिए, सर्च का एस का टू है, यानी एस का टू। अब ऑप्शन की तरफ आइए, ठीक है, ये भी यहाँ पर नहीं है, टू 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 सारे में टू है, ठीक है। ई के लिए आइए, ई का क्या है, क्योंकि हमें सेकंड वाले को चेक करना होगा, यहाँ फोर है, यहाँ पर वन है, यहाँ वन है, यहाँ वन है, ठीक है, यहाँ पर एक जगह फोर है, तो ई के लिए वन है, तो ई के लिए वन है। अब देखिए हमारा क्या मिला, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है और यहाँ भी वन है, ठीक है। तो ये इस बस केवल ऑप्शन ए एलिमिनेट हुआ, ओके। कम टू द नेक्स्ट, और क्या है हमारा, देखिए यहाँ भी फोर है, यहाँ भी फोर है, यहाँ बट सिक्स है, बी और सी में फोर फोर है थर्ड पोजिशन पर, बट डी में सिक्स है। तो चलिए अगेन हम देख लेते हैं ए के लिए क्या है, ए के लिए देखिए क्या है, फोर है, ए के लिए क्या है, फोर है। अब मैच करते हैं ए के लिए, यहाँ भी फोर है, यहाँ भी फोर है, डी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब हमारी बी और सी में ही कंपटीशन है, तो और देखिए यहाँ पर क्या है, फिर उसके बाद यहाँ सिक्स है बट यहाँ सेवन है, तो हमें अगेन चेक करना होगा, यानी आर के लिए देखिए, आर के लिए सिक्स है, सिक्स यहाँ लिखेंगे, दैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन सी है, वो करेक्ट आंसर है। अब हमें फर्दर मूव करने की जरूरत नहीं है, सारे के लिए फाइंड आउट नहीं करना है, यानी यही आपको हर एग्जाम में यही स्टेप अप्लाई करना है, यानी दैट मीन्स कि आपको पहले रिलेशन फाइंड आउट करना है, देन आपको क्या करना है, ऑप्शंस की तरफ मूव करना है, अगर एक जैसा हो तो आप स्किप करें, अगर डिफरेंट हो तो वहां पर चेक करें, सो यू कैन सेव योर टाइम। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इज इज रिटन एज 5117, इन द सेम कोड लैंग्वेज हाउ विल बीम बी रिटन एज, ठीक है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, इजी को इसने कोड किया हुआ है, इजी को क्या कोड किया गया है, 5117 इस तरह से। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमें सॉल्व करना है कि बीम का क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ई का हम अगर पोजीशन बताएं तो ई का ऐसे उसका जो लेटर का पोजीशन होता है 5 होता है, बिल्कुल राइट, ए का भी 1 होता है, बिल्कुल राइट, एस का होता है 19, 19 होता है बट यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और वाई का होता है 25। तो इसमें से आप ये फाइंड आउट करें कि क्या रिलेशन दिख रहा है, देखिए इसने एस का जो 19 है उसका लेफ्ट लिया है, राइट को स्किप कर दिया है, यानी 9 को हटा दिया है, बस 1 को यहाँ पर इसने लिखा है, ठीक है। अगर मैं y की बात करूँ, 25 है तो 25 का 25 प्लस उनको ऐड कर देंगे 2 और 5 को, तो ये हो जाएगा हमारा 7। तो हमारा रिलेशन क्या आया कि जो हमारा राइट है एस का, उसका एक इसने स्किप किया हुआ है, लेफ्ट को उसने लिया हुआ है, यानी 1, और y में जो 25 है तो उन दोनों को ऐड कर दिया है 2 और 5 को, तो हमारा हो गया 7। तो चलिए हम b का इस तरह से बीम का हम ढूंढते हैं, तो b का ऐसे ऑलरेडी 2 होता है, ऑप्शन की तरफ आ जाइए आप, 4 4 2 2 2, यानी ए और बी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हमारा कंपटीशन है सी डी और ई को ही ऑप्शंस को बस चेक करना। अब आइए ई के लिए, ई के लिए जैसे इसका 1 था, ई के लिए 5 हमारा होता है। अब आते हैं अगेन ऑप्शंस में, ये ऑप्शंस में हमारे 5 5 5 है, ठीक है, ये हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं था क्योंकि ये 5 5 तीनों में ही है, बट ए थर्ड वाले को लिए चेक करना होगा, यानी ए के लिए, ए का क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इसका कोई दो डिजिट का नहीं आ रहा है, तो सिंगल डिजिट आ रहा है जो वही हम लिख लेंगे। तो अब देखते हैं, देखिए सी और डी में तो 1 1 है बट ई में नहीं है, तो ई भी हमारा एलिमिनेट हो गया। नाउ कम टू द एम, देखिए यहाँ पर दोनों के लिए क्या है, 3 और 4 है, तो कम चेक कर लेते हैं हम, एम का क्या होता है 13 होता है, एम 13 और 1 + 3 करेंगे तो क्या होगा 4, क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, तो 4, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ आपने क्या देखा, किस तरह के हम यहाँ पर सॉल्यूशंस कर रहे हैं, किस तरह के हम क्वेश्चंस यहाँ पर करते आ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि जो नंबर कोडिंग है इसमें दो पैटर्न्स होते हैं, यानी लेटर ऑफ वर्ड्स आर डिनोटेड बाय डिजिट, मतलब शब्द के अक्षर को अंकों द्वारा दर्शाया जाता है। पहले हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि 2 3 दिए हुए हैं और उनके लिखे हुए हैं वहाँ पर लेटर्स का नंबर,
ठीक है, पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं, क्वेश्चंस में गिवन है तो हमको उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर मैच करके निकाल देना है। दैट मींस कि जो शब्द है उसके अक्षर के द्वारा ही उसको वहां पर हम उसका कोडिंग कर देंगे, डिकोडिंग कर देंगे। ओके, फिर क्या क्या है, सेकंड हमने देखा था कि थोड़ा सा हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस किया था, दैट मींस कि ऐड किया था, है ना, एक हमने लिफ्ट कर दिया था, दैट मींस कि बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी गणितीय कार्रवाई का उपयोग करके, यानी प्लस करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, मतलब ये दो ही पैटर्न्स जो होते हैं हम नंबर कोडिंग में अप्लाई करते हैं। बस ये आपको माइंड में हमेशा फिट कर लेना है कि इस तरह से ही हम कर सकते हैं। अब उसमें आपको लॉजिक लगाना होता है और उस तरह से मूव करना होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। स्पेशल इज रिटन एज 65, देखिए स्पेशल को किस तरह से लिखा गया है, लिखा गया है 65 इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, व्हाट विल कनेक्ट बी कोडेड एज, यानी स्पेशल को लिखा गया है 65, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कैसे 65 आया। ठीक है, तो पहले हम तो पोजीशन के अकॉर्डिंग लेटर का जो नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग ही मूव करेंगे। तो देखिए एस का क्या होता है, 19 होता है, पी का होता है 16, ओ पी, ठीक है, ई का हो गया हमारा 5 और सी का 3, आई 9, ए 1 और एल का हो गया 12। और मैं हर बार बोलती हूँ कि प्लीज़ आपको अगर कोडिंग डिकोडिंग में एक भी नंबर नहीं छोड़ना है, सारे नंबर गेन करना है, तो आपको ए बी सी डी का पोजीशंस याद करना होगा। और एक बार प्लीज़ दिन में तो एक बार ट्राई कर लीजिए ये सारे याद करने का, और मैंने इसका इजी ट्रिक बताया है, प्लीज़ आप जाकर के पहले की वीडियो में देख सकते हैं। अब इनको हम ऐड करते हैं, सारे को ऐड कर लेंगे तो शायद हमारा आउटपुट मिल जाएगा। चलिए ठीक है, देख 9 1 10, 3 5 12, ठीक है, 10 हो गया हमारा, 15 हो गया, 15 5, 20 और 16 यहाँ पर हो जाएगा, 20 और यहाँ पर 15, सारे को हम ऐड कर लेते हैं, 5, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 6, यानी इन सारे के जो जितने सारे हमारे लेटर्स हैं इस स्पेशल वर्ड का, जितने लेटर्स हैं उस लेटर का जो पोजीशंस होता है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, उन सारे को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा 65 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें कनेक्ट का भी कर लेना होगा, तो चलिए कनेक्ट का भी हम वैसे ही कर लेंगे। तो पहले मैं इसे रिमूव कर देती हूँ, तो कनेक्ट का अगेन हम लिखते हैं, पर फटाफट कर लेंगे अगर जिनको याद होगा अल्फाबेट्स इसका पोजीशन, ओ का 15, एन का 14, तो 14 14 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 28, ठीक है, क्योंकि दोनों को तो ऐड करना ही है, सभी को ऐड करना है, तो डायरेक्ट लिखते जाए आप, ई का प्लस 5, ठीक है, 5 लिख दिया, सी है, ठीक है, सी के लिए अगेन 3 और टी 20, मैंने याद कराया था 20, अब सबको याद जोड़ लीजिए, ठीक है, हो गया, देखिए ये 15 3 18, 28 और 5 3 8 और 20, सभी को जोड़ लीजिए, ठीक है, 3 के 24 हो गया, 2 4 5 1 कितना हो गया, 5 और 2 7, ठीक है, 74, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, सारे को 74, तो हमारा आंसर हो गया 74। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हमने ये मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, ठीक है, यानी उसमें ऐड किया, उसका पोजीशन से इस तरह से फाइंड हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और वो हमारा क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इशू इज रिटन एज 3 4 1 1 4 5 इन द सेम कोड लैंग्वेज, व्हाट विल बी द कोड फोर, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगेन वही जो इसका फाइंड आउट करेंगे हम कि क्या लिखा हुआ है, इशू लिखा हुआ है, ठीक है, तो इशू को हम लिख लेते हैं, और हम इस तरह का कोड है, देखिए आई के लिए तो 9 होता है बट यहाँ पर 3 दिया हुआ है, एस का 19 होता है, एस का 19 होता है, तो इस तरह का यहाँ पर कुछ अजीब सा है, ठीक है, मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखिए 2 2 4 1 5, 2 2 4 2 6 6 डिजिट है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा 5 लेटर है, दैट मीन्स कि इसमें क्या हुआ होगा कि जो इतनी बड़ी आ रही है नंबर, ठीक है, एक्स्ट्रा डिजिट आ रहा है, तो आपके माइंड में आएगा या ऐड करेंगे तो आई थिंक उससे ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए, ठीक है, इनकी पोजिशन को ऐड करें तो हम इतना ज़्यादा कब आएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट मीन्स कि इनका जो पोजीशन है आई का 9 है उससे हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे हम, और 81 इंटू 5, अगर आप इन सबको ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये रिजल्ट आएगा 3 4 1 1 4 5, ये आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, आप ट्राई करना और देखना, ठीक है, तो चलिए डेट्स के लिए भी हम यही अप्लाई करेंगे, यानी सबका पोजीशन लेंगे, डी का हो गया 4 इंटू 1 इंटू T का 20, T20 का इंटू 5 इंटू 19, ठीक है, अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी 4 1 जो 4, 2 हो गया आपका 80 इंटू 5 इंटू 19, ठीक है, अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो
845 यानी 400 × 19। अब 19 को 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और 00 कर देंगे, यानी 7600, ये हमारा आंसर होगा। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी ही ईजी है और ये इंटरेस्टिंग भी है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप ना इस चैनल पर नए हैं और वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो किया नहीं होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा डोर, क्या लिखा हुआ है, 25। तो मोस्टली क्या होता है, हम पोजीशन की तरफ ही मूव करते हैं, देखते हैं 25 कैसे आ रहा है, ठीक है। डी का क्या है आपका, यहाँ और क्वेश्चन देख रहे हैं, लोअर किसने 37 लिखा है, टावर किसने 18 लिखा है, तो ओवर के लिए क्या होगा, तो ये कैसे रिलेशन आए, तो हमें रिलेशन पहले फाइंड आउट करना होगा। तो डी के लिए अगर 4 होता है, ठीक है, ओ का हमारा होता है 15, ठीक है, और आर का हो जाता है आपका 18, सॉरी आर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 18 होगा, यहाँ 18, ओके ये हो गया 18। तो इनमें क्या है जो कि 25 आएगा, क्या नहीं आएगा, देखिए इनको ऐड मैं करती हूँ तो आ जाता है यहीं पर 30, और ये इनको ऐड करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, यानी 22 हो जाएगा, 2 और 3 5, है ना, 52 हो जाता है। चलिए ऐसा है क्या, चलिए इसका 52 लोअर का देख लेते हैं क्या इसमें रिलेशन है, यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। एल का हो गया आपका 12, ओ का 15, डब्ल्यू का हो गया 23, और ई का 5 और आर का 18, ठीक है। अगेन इनको हम ऐड करें तो क्या होगा, चलिए वो भी अगेन हम कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं इन सारे को, तो 12 और 5 हो गया आपका 27, और 23 और 5 28, ठीक है, और यहाँ 18, सबको ऐड कर लेते हैं, हो गया 3 और 2 2 हो गया 4 एक 5 5 2 5 2 7, 73 आया, ठीक है। तो इसमें भी हमारा कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा, ठीक है, हमें एक केयर करने की ज़रूरत है कि अगर इनमें आपको केयर फुली देखे तो यहाँ 52 है, यहाँ 73 है, ऐसा नहीं दिख रहा आपको कि इसका अपोजिट कर दिया गया है, यानी 52 को 25 और 73 को 37, इसका अपोजिट और इसका अपोजिट, ठीक है। इसका भी वही हम देख लेते हैं, टावर का भी चेक कर लेते हैं, देखिए टी का हो गया हमारा 20, ओ 15, डब्ल्यू 23 हो गया, ई 5 और आर हो गया 18, इन सबको ऐड करने पर क्या होगा, देखिए 20 ये हो गया आपका 35 और यहाँ 5 15, 20 हो गया 20 20, 40 40 और 20 60 60 और 20 कितना हो गया 80 81, तो 81 आया यहाँ पर, इन सबको ऐड करने पर आया 81। तो देखिए इसका भी अपोजिट क्या हुआ है 18, ठीक है, दैट मीन्स कि जितना हमारा सारा दिया हुआ है, ठीक है, कोड उसका अपोजिट किया हुआ है, उसके अल्फ़ाबेट का जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग सभी को ऐड करके उनका अपोजिट किया गया है, तो हमारा जो आंसर है यही भी यही आना है चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबको ऐड कर लेते हैं और ऐड करके हम देख लेते हैं कि हमारा आ रहा है क्या आंसर। तो ओवर ओवर कर लेते हैं भाई, ओ का 15, ठीक है, वी का 22, ई का 5 और आर का 18, देखिए दोनों अपोजिट यहीं पर आ गए, ई वी, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, ये हो गया 27 और 15 और 18 ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, क्योंकि 15 15 30 हो गया, 30 में क्या हो जाएगा 3 एक्स्ट्रा है तो 33 हो गया, 7 3 हो गया 11, सॉरी 10, और 2 3 5 और 6, अगर इसको हम अपोजिट करें तो क्या होगा 06, ऑप्शन में देख लीजिए भाई 06 है जिसका डी है आंसर। तो ये इस तरह से भी हमारा सोल्यूशन मिलता है, तो बस इसका एक ही आपको मैं कहूँगी कि आंसर है कि आप प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस कब करेंगे जब आप उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, और आप क्या करते हैं कि बस हमें तो शॉर्टकट में भागना है भाई, शॉर्टकट आज अभी कर लेंगे अप्लाई, बाद में आपको लॉन्ग कट ही जाना पड़ेगा। अगर आपने पहले लॉन्ग कट कर लिया तो आपको फिर दोबारा लॉन्ग कट जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से शॉर्टकट की तरफ मूव करेंगे, बट आपको क्या करना है पहले कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ जेड इक्वल्स टू 52, जेड इक्वल्स टू 52, ठीक है, जेड 52 है तो एक्ट और 48 दिया हुआ है, तो बैट के लिए पूछ रहा है जेड 52 कैसे दिया हुआ, भाई जेड का कैसे हो जाता है 52, ठीक है। जेड का अगर हम पोजीशन की बात करें तो इसका होता है 26, है ना, अगर अल्फाबेट पोजीशन की बात करें तो 26 हो रहा है, तो इसका हम कुछ और अप्लाई करके देखें क्या, ठीक है, अभी यहीं पर ठहरते हैं फिर और कुछ करते हैं। जैसे एक्ट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, एक्ट का 48 कैसे लिखा हुआ है, ए का 2 होता है, सी का 3 होता है और टी का 20 होता है, ठीक है,
अगर मैं मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 2 3 जा 6, 6 और 6 जा कितना होगा, 120 हो जाएगा, काफ़ी एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो ये किया हुआ क्या है, तो मैं बताती हूँ क्या हुआ है इसका। देखिए ये जो 26 है, 26 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 52 हो जाएगा। ओके, तो दैट मीन्स कि जो आपका दिया हुआ है लेटर उसका डबल किया हुआ है। तो यहाँ ए का हम डबल कर लेंगे, क्या है 2, अगर ए का 1 है तो हम क्या कर लेंगे, 2 हो जाएगा हमारा डबल। सॉरी, यहाँ ए का मैंने 2 लिखा था, 1 होता है इसका पोजीशन। ठीक है, तो ए का हो गया डबल 2। ठीक है, और सी का 3 है तो हो जाएगा 6, और T20 है तो हो जाएगा हमारा 40, और सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 268 और 40 48। ठीक है, तो ये 48 आया। तो इसी तरह से हम बैट का भी निकाल लेंगे, यानी बी का 2 होता है तो हमारा हो जाएगा 4, ए का 1 होता है तो ए का हो जाएगा 2, और टी का 20 तो भाई हो जाएगा क्या, 40, 22 जा 40। अब इनको ऐड कर लेंगे, 4 2 हो गया 6, और 6 40 46। अब आंसर हम मैच कर लेते हैं, देखिए ऑप्शन है डी, डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि किस तरह से हम नंबर कोडिंग करते हैं, हमने देख लिया लेटर कोडिंग सारे, उसके पैटर्न और नंबर कोडिंग। नेक्स्ट हमारा रह रहा है उन सारे को हम करेंगे, तो ये यहाँ तक रहा, तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करते रहें, इस तरह का क्वेश्चन सर्च कर लें, गूगल पर बहुत सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और आप उनको सर्च करते रहें और उसको आप बनाते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, यहाँ के लिए यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर।